आज हम मछली की सब्जी बनाएंगे। मच्छी को साफ धो लिए हमने, हल्दी नमक लगा के आधा घंटा पहले रख दिए थे। सरसों का तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली का पानी, टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची, नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन 1-1 टीस्पून है। सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गरम करेंगे। गरम हो गया है तेल, मीडियम करके मच्छी डालेंगे, ढक्कन लगा के तलेंगे। आधा घंटा पहले हमने मच्छी को रख दिए थे हल्दी नमक लगा के। अब पलटाएंगे एक एक करके। सेका गया है मच्छी दोनों तरफ से, एकदम ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे। अब निकाल लेंगे सभी मच्छी, इसी तरह तल लेंगे। सभी मच्छी हमने तल लिए, तेल ज़्यादा है कम कर लेंगे। और मीडियम आंच में ही हम मसाला को भुनेंगे। पीली सरसों है ये 1 टीस्पून, भून लेंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1-1 टीस्पून, इसको भी गुलाबी होने तक भुनेंगे। पूरा पाउडर मसाला डालेंगे, इसको भी अच्छे से भुनेंगे। भुना गया है, अभी प्याज का पेस्ट डालेंगे। मैंने जब भी आपको हल्दी नहीं बताई, 1 टीस्पून अभी इसमें हल्दी भी डालेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, इसको भी अच्छा पकाएंगे। मसाला भुना गया है, अब इमली का पानी, 1 टमाटर मोटा कटा हुआ, हरी मिर्च 2-3, इसको भी पकाएंगे अच्छे से। ढक के 2 मिनट अच्छा पकाएंगे। अच्छा पक गया है, 2 ग्लास पानी डालेंगे। रस्से को अच्छे से उबलने देंगे पूरा मसाला पकने तक। अच्छा उबल गया है रस्सा, पूरा मच्छी उसमें डाल देंगे। हमने मच्छी डाल दी है, 2 मिनट भी पका लिए उसको, ऊपर से सामान डाल रहे भी। ज़्यादा नहीं पकाना, हमारी मच्छी करी अभी रेडी है। कैसा बना लाइक ज़रूर करें।